में तीन सर्विस करवा चुका हूँ, एक 1500 पे करवाई थी, फिर 5000 पे। इसके अंदर गाड़ी का इतने बड़े शौकीन है कि नेगेटिव अभी तक के साथ छोड़ा नहीं गाड़ी ने। लेगार्ड उसका सेफ्टी लेगार्ड लगा, देखिए भाई क्या लगा, ये इधर साइड है भाई, इसका कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होती है भाई। ले गए हैं उजदार बाइक, ये आप देख ही सकते हैं कि भाई पल्सर आरएस 200 कितनी जबरदस्त बाइक होती है। इसका फुल रिव्यू आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, और जो इसके इतने जबरदस्त फैन हैं, इतने जबरदस्त मतलब इसको चलाते हैं वो, उन्होंने 220 भी चलाई है पल्सर, इसके अदरवाइज और भी बाइकें चलाई हैं उन्होंने, लेकिन इसके वो इतने बड़े फैन हैं भाई के सारी गाड़ियां फेल कर दी इसके सामने, KTM तक इसके सामने उन्होंने फेल कर रखी है, क्योंकि उनको इस बाइक का इतना नॉलेज भी है और इतना शौक भी है और इतने बड़े वो इस बाइक के वो फैन है कि आप उनके जबान से ही सुनना कि वो कितने बड़े फैन है इसके। तो मैं बुलाना चाहता हूँ शब्बीर भाई हमारे, आइए भाई, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो भाई ये है हमारे शब्बीर भाई, जो इनके नाम ही इन्होंने नहीं उठाई है। तो भाई इस बाइक में ऐसा क्या है जो आपने इस बाइक को इतनी इतनी मोहब्बत से रखी हुई और इतनी खास आपके नजर में है ये भाई? पहली बात तो सबसे ज्यादा साउंड देने वाली गाड़ी है, हाँ। सबसे तेज साउंड देने वाली, हाँ। तीनों गाड़ियों में 200cc में सबसे तेज साउंड देती है, हाँ। उसके बाद इसका एक लुक वाइज सबसे अलग ही दिखती है, भरी हुई गाड़ी दिखती है पूरी। वो तो खैर है ही, लुक तो बहुत ही जबरदस्त है। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है, हाँ। KTM से और बाकी दूसरी NS से भी इसका कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है ज्यादा। अच्छा अच्छा। और इसकी जो स्पीड की बात करी जाए, हाँ। ये टॉप स्पीड इसकी निकलती है 158। 158 की टॉप स्पीड है, जो नॉर्मल बाइक से 10 भाई वो तो बहुत ज्यादा है 158 बाइक, मतलब आप अभी आपने इसे कितना उठा दिया है भाई, मतलब आपने स्पीड कितनी ले ली हाई स्पीड इसकी? मैंने इसको 158 निकाल दिया, मेरे पास चैनल में है। अच्छा लाइव है आपके पास, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ऑडियंस मान जाती है वो तो क्या ना, लेकिन उन्हें भी लग रहा होगा भाई 200cc बाइक तो इतना तो उठा ही रहा है भाई। इसका टॉर्क वगैरह और इसका टॉर्क की बात की जाए तो 8500 RPM है और 9750 टॉर्क है इसका। टॉर्क है और डबल डिस्क है, डबल डिस्क में, हाँ डबल डिस्क तो बाइक है ही है। और आगे पीछे भाई डिस्क में आगे का बड़ा हुआ दिया हुआ है इसके अंदर, आगे के व्हील में बड़ा डिस्क दिया हुआ है, इसकी कोई वजह? भाई इसके कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होती है भाई, से कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होती है। इसका माइलेज वगैरह? भाई माइलेज की बात की जाए तो सब KTM और ड्यूक और NS से ज्यादा देती है। क्या है माइलेज आपकी नजर में, क्या निकाल रहा हूं? मेरे हिसाब से मैं जो निकाल रहा हूं अपने ऊपर रहता है, बंदे के ऊपर कैसे चला रहा है, तो मैं 40 निकाल देता हूं भाई। 40 का माइलेज आप ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल आप क्या स्पीड में चलाते हैं जैसे आप माइलेज ले रहे हैं? तो भाई 60 के नीचे, 50-60 50-60 ही चलाते हो भाई हाई स्पीड, मतलब आपने तो चेक करने के लिए उठाई होगी 158 है ना, 158 तो हाईवे पे निकाली थी, हाँ। और इसकी भाई मजबूती की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई पीछे 2.5 क्विंटल का इंसान बैठ सकता है, मतलब 2.5 क्विंटल वजन आपने रख दिया, मतलब 2-3 लोगों के आपने बिठा के इसको आराम से चला लिए इसको, है ना, तो इस पे कोई मतलब बैठक में वेट की बैठी हुई जैसे कोई तो बैठने में कंफर्टेबल गाड़ी है, कंफर्टेबल के लिए अलग ग्रिप दी है इसकी, दोनों अच्छा, हाँ ये ग्रिप भी बहुत जबरदस्त चीज दी हुई है यार, ये तो इसमें मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया था। इसका तो लुक ही तो गजब का है यार, ये लाइट आप देखो इसमें भाई, बैठने में हार्ट शेप की लाइट है इसमें, बैठने में जैसे आपने नंबर वगैरह नहीं लिखवाया क्या आगे? नहीं अभी निकला रही थी, नंबर प्लेट बजती है इसकी। अच्छा बजती है उसमें, क्यों? क्या है नट वाले आते हैं ना, वो नट वाले उसमें लूज हो जाते हैं चलने में। अच्छा अच्छा, फुल टाइट नहीं हो पाती क्या वो? अच्छा तो ये इंडिकेटर कंपनी से आए हैं इसमें, अलग से लगवाए? कंपनी के हैं, कंपनी के ही है। तो इसके अंदर जैसे आपने ये शॉकअप सिंगल शॉकअप दिया हुआ है, तो आप बता रहे कि 2.5 क्विंटल वेट इसके ऊपर आ जाता है, और इसके अलावा आपने इसके अंदर दम की जो बात है, जैसे आपने कहीं बैठा के जैसे लोड लेती है गाड़ी, उसमें तो भाई कहीं पर भी सांस नहीं छोड़ी गाड़ी ने, वैसे तो हर जगह मतलब गाड़ी दम देती है, वैसे तीन में बैठा के भी अपन ने चेक करी है तो वही गाड़ी अपना अंदाज वही रहता है, अपना अंदाज वही रहता है।
वाह यार, तो इसमें कोई थकान वगैरह बैठक में कोई परेशानी इसमें इतनी झुकी भी नहीं है जैसे आप KTM और R15 की बात करते हो, तो उसमें यूं चलाना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ते है, इसमें बिल्कुल बंदा बैठ के सीधे हैंडल है। हाँ, लुक भी बहुत जबरदस्त दिया हुआ है। क्या लुक बोलते भाई इसको, इतनी ऊपर है इसका जो लुक आता है वो क्या नाम से आपको इसका तो पता होगा, आगे का जो फ्रंट लुक दिया है वो है इसका, इसको डायनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनो लुक में। और इसके अलावा ये हाइट लेंथ में कहीं अड़ने वड़ने वाला काम? साढ़े पांच इंच ऊपर है। नहीं तो ये आप जैसे ब्रेकर वगैरह में तो अड़ जाती होगी ना कहीं ना कहीं। उसका सेफ्टी लेग गार्ड लगा, देखिए भाई क्या लगा, ये इधर साइड, ये देखिए सेफ्टी के लिए दे रखा है, ये सेफ्टी लेग गार्ड लगा हुआ, मतलब टकराती वगैरह नहीं है। आगे में क्या दे रखा है भाई? आगे के लिए तो उसका ये पूरा ये है सिस्टम, वो मतलब फाइबर दिया हुआ कंपनी ने आगे से ही, और ये सब आपने अलग से लगवाए कंपनी से? प्रोटेक्टर अलग से लगवाए, सब अलग से लगवाए। ये कितने में क्या लगे हैं इसमें भाई? 550 रुपए का ये प्रोटेक्टर लगा है और ये प्रोटेक्टर, मतलब 550 का ये सिर्फ यही लगे हैं दोनों, ये दोनों और ये अलग लगे हैं? ये 250 रुपए के अलग, ये 250 रुपए के अलग। मतलब भाई खैर गाड़ी तो भाई ने बहुत साफ सुथरी रखी हुई है और शौकीन इंसान है। ये टायर कितने पे अभी चेंज कराया क्या आपने इसके टायर? टायर तो अभी मैंने इसलिए चेंज करा, पंचर होते रहते हैं टायर में, कील लगती रहती है। उतरा अभी मतलब ज्यादा माल पे तो नहीं उतरा था? नहीं नहीं नहीं, माल बिल्कुल नहीं उतरा था, मैं पंचर ज्यादा बन गए थे उसमें, पंचर ज्यादा हो रहा थी। अच्छा अच्छा, आगे का तो सर्विसिंग वगैरह कितने पे कराई थी आपने? भाई मैंने 3 सर्विस करवा चुका हूँ, एक 1500 पे करवाई थी, फिर 5000 पे, 10000 पे, 3 सर्विस हो गई। हाँ जी, तो फर्स्ट सर्विस में क्या खर्चा आया था इसके? फर्स्ट सर्विस में भाई 500-700 रुपए आया था, बस ऑयल चेंज का लगा था 700 रुपए। ऑयल चेंज का लगा था। इसमें कोई आपको नेगेटिव चीज लगी भाई? इसमें ऐसे तो कुछ नहीं, अब BS6 में थोड़ा सा ये आ गया है कि वो मतलब साउंड कम कर दिया गया। ये BS4 है? नहीं नहीं, BS6 है भाई, ये BS6 ही है। अच्छा, BS4 भी तो आई थी इसमें, उसका उसमें अलग ही रिव्यू था, वो 164 निकल जाती थी, 164 निकल जाती थी, तो ये हल्की कर दी, मतलब जो पहले आती थी उसमें अलग फर्क हो गया है ना। तो ये इंडिकेटर जो कंपनी से दी हुई है, ये जो बजर कर रहा है इसमें हजार्ड लगा है अंदर, ये कंपनी से फिटेड है? नहीं कंपनी से नहीं, इसमें हजार्ड यहाँ से लगाया, देखिए सीट यहाँ से ओपन होती है इसकी, देखिए KTM वाले फील है इसमें ना, ये अलग से लगवाया, ये टूल्स है, टूल्स दिए हैं अलग से कंपनी में। तो इसमें क्या लगवाया आपने? ये हाँ, ये हजार्ड लगाया, ये हजार्ड लगा। क्या खर्चा आ रहा है इसमें भाई? भाई 550 रुपए, 550 रुपए का ये आपने अलग से लगवाया है। हाँ, और ये इसके टूल्स आए गाड़ी के साथ, ये तो खैर नॉर्मल चीजें आती हैं पूरी गाड़ियों के साथ ही। हाँ जी, तो इसमें आपको कोई नेगेटिव चीज ऐसी लगी है जो कि यार आप किसी को बताना चाहें कि इसके अंदर? गाड़ी का इतने बड़े शौकीन है कि नेगेटिव अभी तक के साथ छोड़ा नहीं गाड़ी ने, नेगेटिव चीज कुछ लगी ही नहीं आपको है ना कभी गाड़ी कोई बैलेंसिंग काम आउट बैलेंसिंग वाला काम ही नहीं हुआ, कंट्रोलिंग इतनी अच्छी होती है कि अपन बोल ही नहीं सकते उसको नेगेटिव। अच्छा, ये बटन स्विच वगैरह लगाया आपने भाई? हजार्ड का ये थीम चेंज हो जाती है, इसकी थीम भी चेंज हो जाती है, हुई क्या चाबी? थीम यहाँ से भी चेंज आती है। वाह वाह, तो ये तो इंडिकेटर अलग से मिल जाते होंगे, काफी महंगे इंडिकेटर होंगे लेकिन। हाँ, ये तो ये ओरिजिनल की बात अलग रहती है। हाँ, ओरिजिनल की तो खैर बात ही अलग रहती है। तो भाई के तो कहीं भी नेगेटिव पॉइंट इस बाइक में लगे ही नहीं है जो कि अगर आपने किसी लगाना। तो भाई इसने परचेस कितने की करी थी आपने? नई उड़ाई ना ये तो? हाँ जी। कितने की परचेस की भाई? मेरे को पड़ी थी 1,98,000 रुपए में। आपने डाउन पेमेंट क्या दिया इसका? भाई इसका दिया था मैंने 80-90 हजार दिया था। और इसके इंस्टॉलमेंट क्या आई है? 5000 रुपए कुछ, 2 साल की। 5000 रुपए 2 साल के, 8 महीने बचे बस। कंप्लीट भी होने वाली है, 8 महीने बचे हैं। वो तो भाई 2 साल से मतलब 1.5 साल हो गया है इसको गाड़ी की, आप कंडीशन देख ही सकते हैं भाई, शौकीन बहुत ज्यादा ही है। इसमें ये ब्रेक आयल भी लगा हुआ है क्या इसमें? हाँ जी भाई, ब्रेक आयल कब का? और इसमें भाई ये कूलेंट वाला इंजन है या कूलेंट इंजन है? ये लगा कूलेंट इंजन है। हाँ हाँ, दिख रहा भाई, कूलेंट इंजन है ये इसके अंदर। तो भाई काफी बढ़िया भाई ने जानकारी दी है इसकी। और भाई इसके इंजन में ऑयल वगैरह कितना क्या डलता है? वही नॉर्मल डलता है क्या? जो नॉर्मल बाइक में डलता है वही। तो मतलब लोगों को मतलब कोई अगर पल्सर लेना चाहे तो परचेस कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाला कोई मामला है ही नहीं है ना। तो काफी बढ़िया भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये साइलेंसर भी कंपनी से ही आया हुआ है इसके अंदर, साउंड भी काफी बढ़िया दिया है, लुक भी अच्छा है, छोटा सा साइलेंसर दिया हुआ है, लुक काफी बेस्ट है। और भाई थोड़ी सी ट्रायल लेके बतला दे।
काफी शानदार अच्छी इन्फॉर्मेशन भाई ने दी है, शब्बीर भाई ने। तो भाई थैंक यू सो मच आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, चैनल पर आने के लिए। तो भाई इस पल्सर RS 200 की आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसका रिव्यू कैसा लगा, भाई का रिएक्शन कैसा लगा इस बाइक को लेके, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई जानकारी इस बाइक के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं और इन्फॉर्मेशन इसकी निकाल के आपको पूरी दूंगा कि इसमें आपको कोई अगर ऐसे नेगेटिव पॉइंट लगते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा।